यार आज ना इस बंटी की गेम बजा के रहूंगा मैं यार, ये मेरी डेली पतंग काट देता है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं काटूं कैसे। अब ये चाइनीज मान जैसे उड़ाता है, मैं क्या करूं? आज मैं ऐसे पेचे लगाऊंगा ना उससे, ऐसे पेचे लगाऊंगा उसे पता चल जाएगा कौन असली पतंगबाज है। तो पहले कन्ने बांध लेता हूँ। आ जा बंटी, आज तेरे को पता लग जाएगा कौन असली पतंगबाज है। तेरे चाइनीज मांझे को ही काटूंगा आज मैं इंडियन मांझे से। आ जा। अरे यार बंटी ने अब मेरी आज फिर काट दी। मैं तो उसे बड़े बोल बोल रहा था यार मैं काट दूंगा कौन पतंगबाज है क्या है यार। अब मुझे लग रहा है मुझे भी चाइनीज मांझा लाना पड़ेगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ, चाइनीज मांझा मैं भी लेके ही आता हूँ, जब ही इसकी पतंग काट पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं काट पाऊंगा। चाइनीज मांझे को चाइनीज मांझा ही काट पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं चाइनीज मांझा लेके आ चुका हूँ। अब उस बंटी की तो गेम बच के रहेगी। जो इसकी धार है ना, उसने कभी सोची भी नहीं होगी इसकी क्या धार है। अच्छे अच्छों को फेल कर देगा ये मांझा, चाहे चाइनीज हो चाहे कोरियन हो, BTS की तरह। अब पहले मांझा भर लेता हूँ, फिर बंटी को आज मैं बताता हूँ। अब मैंने चाइनीज मांझा भर लिया है, अब बंटी को पता लग जाएगा कौन असली पतंगबाज है और कौन नकली। और ये बंटी गया। हेलो कुणाल। हेलो। हाँ चिंटो, मोमोज खाने चलते हैं। अभी? हाँ अभी। कहाँ पर चलेंगे मोमोज खाने? हाँ ठीक है चलते हैं। कहाँ पर मिलेगा? पिछली गली में अपनी? पिछली गली में मिल जाएगी तो। हाँ ठीक है चल। ठीक है मैं आ जा थोड़ी देर में, बस आ रहा हूँ। पिछली गली में आ जाइए फिर चलते हैं। चल ठीक है मैं भी आ ही रहा हूँ। ओके चल यार मोमोज खा के आए थे, चलते हैं अपन मोमोज खाने। अब यार चिंटू भी आने वाला होगा, बस मैं पहुंच जाऊँ जल्दी जल्दी, वो रास्ते में ही होगा बस। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका इस चैनल में। मैंने इस वीडियो में आपको जो दिखाया, एक शॉर्ट मूवी बनाने की मैंने कोशिश की थी पूरा आपको समझाने के लिए कि चाइनीज मांझा कितना हमारे लिए हानिकारक है। तो हमें बहुत मेहनत लगी है भाई, ये देखो कलर वलर सब लगा हुआ है हाथों के अंदर। ये देखो हमारे ये कैमरामैन, ये इसके यहाँ पर हमने कलर लगा दिया था पूरा, और हाथ पे इसके भी लगा हुआ है। और भाई वो देखो वहाँ भी कलर पड़ा हुआ है, और ये अपनी स्कूटी।
तो मैं अब आपको बताऊंगा कि आप चाइनीज मंजे से कैसे बच सकते हैं। जो मेरा मेन पर्पस है इस वीडियो का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको बचना कैसे इससे मैं बताता हूँ। आपको कोई भी एक डंडी लेनी है, या स्टिक लेनी है, या पतली सी रॉड लेनी है, और उसको क्या करना है, उसके आगे हुक लगाना है छोटा सा। आप वो किसी भी तार से हुक बना सकते हैं, जैसे कि जिससे वो मांजा अटक जाए, समझ रहे हो आप मेरी बात। और फिर आपका जो बाइक है इधर ला, और जो आपकी बाइक या कुछ भी हो, आपको इधर लगाना है। वो इधर लगाने के बाद वो ऐसे, जो इतना हाइट होनी चाहिए आपकी, हाइट से ऊपर, कम से कम हाइट से ऊपर रहेगी ना, जब भी मांजा होगा ना, जब भी मांजा होगा तो वो हमेशा अटक जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप एक कपड़ा ले सकते हैं। रुमाल तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, वो है ना थोड़ा छोटा होता है, यहाँ पर पूरे में नहीं आएगा। वो आपको कैसे बांधना है कपड़ा, या आप जब टू व्हीलर चला रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से आपको चालू करना है और यहाँ पर ख़त्म करना है, मतलब ऐसे इधर तक आपको नहीं बांधना, क्योंकि जो मांजा होता है, हमारी गर्दन भी एक हुक के तरह है ऐसे, तो मांजा आपका हमेशा यहाँ पर अटकेगा, यहाँ पर जो है, तो आपका गला कट ही सकता है पूरा, गारंटी आप। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का कपड़ा बांधना है पीछे तक, जिससे आप बच सकते हो, क्योंकि कपड़ा भी आपका सेफ नहीं है, उससे भी गला कट सकता है। पर उससे ये है कि आपको थोड़ी देर के लिए पता लग जाएगा कि आपको मांजा अटक चुका है आपके गले में, तो आप हटा सकते हो रोक के, स्कूटी बाइक जो भी आपका टू व्हीलर है। तो इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दिखाने की पूरी कोशिश की है, बहुत मेहनत लगी। तो गाइस, इस वीडियो को जितना हो सके ना उतना शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में मेहनत भी बहुत लगी है, और जो मैसेज है ना, ये बहुत लोगों तक पहुंचाना है कि आप कैसे बच सकते हो। और चाइनीज़ मांजे को बिल्कुल हाथ मत लगाना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है वो, आपको पता ही है कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। जितना ज़्यादा आप बच सकते हो ना इससे, उतना ज़्यादा बचना। वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी हो ना, तो शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए लाइक जरूर कर देना। हाँ भाई, कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है धूप में, बहुत खड़े हुए हम।